दो अहम शख्सियात ने हमें ज्वाइन किया है। मेरे साथ मौजूद है अदनान आदिल साहब और हारून रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, इतनी बारिश में आप लोग इतने वक्त में कैसे पहुंच गए हैं? हम लोग पहुंच जाते हैं। छतरी भी तो बनाई है ना किसी ने बारिश से बचने के लिए। लाहौर में जो है वो पंजाबी में गोडे गोडे पानी हुआ पड़ा। नहीं नहीं, इतना नहीं है, लेकिन है, है। नहीं, पानी ऐसी बारिश नहीं है जिसमें आदमी दफ्तर ना पहुंच सके। अच्छा, वैसे गहरी बात किया हारून साहब ने। बहाना बनाया जा सकता है अगर काम करने को दिल ना चाहे। मुश्किल पड़ती है मगर मुश्किल चले, मुश्किल में हल तलाश किया जाता है ना। चले सर, इस मुश्किल में मुझे तो बड़ा अच्छा मौका मिला है कि मुझे आपके साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिल गया है। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अच्छा, आज हम गुफ्तगू करेंगे प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर पे। कल भी हम कर रहे थे और वो उसी का हम तसलसल चाहते हैं कि आज भी हो। हारून साहब, आप बता रहे थे प्रोफेसर रफ़ीक अख्तर की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में। लाखों लोग उनसे रुजू कर चुके हैं अब तक, उनसे अपने रूहानी मसाइल, नफ्सियाती मसाइल के लिए। आप चूँकि बहुत आपका दरीना ताल्लुक़ है और गहरा ताल्लुक़ है, करीबी ताल्लुक़ है, ये बताइए कि उनकी शख्सियत का इर्तका कैसे हुआ? मोर देन 1 मिलियन पीपल, मेरा ख्याल 2 मिलियन के करीब होंगे, लेकिन मैं एहतियात से कह रहा हूँ 20 लाख। और प्रोफेसर साहब की शख्सियत की जो अहम तरीन खसूसियत है, जो इस असर के किसी आलम दीन में नज़र नहीं आती, बल्कि वो किसी भी किसी लीडर में नज़र नहीं आती, वो ये है कि अगर आप उनके साथ कोई इल्मी गुफ्तगू कर रहे हों, एतराज़ करें, और फ़र्ज़ कीजिए आप 1 घंटे तक बोलते रहें, तो वो आपको 1 घंटे में टोकन कर। जब गुड लिसनर है जी, जब वो आप नहीं तहम्मल है, वो गुड लिसनर नहीं, गुड लिसनर तो जनरल कहने भी थे, मतलब वो सूफी जब सुनता है तो वो और तरह से सुनता है। इसके बाद आप हैरत ज़्यादा रह जाएंगे कि आपने 20 सवाल किए तो 20 सवालों के जवाब, ठीक है। और आप उनकी ज़ात पे एतराज़ करें, आप उनके नज़रियात पे एतराज़ करें, तंज करें, 2-3 वाक़ात मेरी मौजूदगी में किसी ने तहकीर करने की कोशिश की तो उनके चेहरे पे कोई तासर नमुदार नहीं होता। मैं अपना एक वाक्य आपको बताता हूँ कि वो एक मामले में उनकी राय मौला मौदूदी के बारे में जो थी वो मनफी थी और वो उस पर इसरार करते थे। एक दिन मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि ये किसी इंटेलिजेंस के मुखबर ने मीरपुर के आपको बताई होगी, वो मेरा अंदाज़ा ही था जो सही तकरीबन सही साबित हुआ। तो मैंने इस पर तहकीक कर चुका हूँ, मैं आपसे अर्ज कर चुका हूँ ये बात, इसके बावजूद आप ये बात कहते हैं। तो वो उन्होंने कहा जवाब में कि हर आदमी के तासुबात हो सकते हैं, मैं इस पर दोबारा गौर करूँगा। हालांकि मुझे, मैं जब बाहर निकला तो मुझे बड़ा सदमा था कि मुझे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, काबिल एहतराम उस्ताद हैं, इतनी इनायात हैं। और मैंने सोचा कि ताल्लुकात अब पहले जैसे तो नहीं रहेंगे, लेकिन मैं चंद दिन के बाद गया तो जैसे ही मैं दाखिल हुआ तो उन्होंने हंसना शुरू किया और हंसते रहे। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे यू आर सच एन इंटरेस्टिंग पर्सन, अगर मुझे फुर्सत होती तो मैं आप पे किताब लिखता। वाह। तो मैंने कहा मैं तो खैर इसका मुस्तहिक नहीं, अलबत्ता आप पे किताब लिखी जा सकती है जिसमें आप पे तनकीद भी की जाएगी। तो उन्होंने खुद अपने मन भी पॉइंट गिने, मतलब उन्होंने कहा एक तो आप ये लिख सकते हैं कि मुझे खाने से बहुत दिल, जो जो मेहमानों के लिए, अपने लिए नहीं। उनमें वो चीज़ें पाई जाती हैं जो हम सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं, मतलब 20 आदमी आ गए और अचानक आ गए तो उनके लिए खाने का बंदोबस्त किया जाएगा। और आपको हैरत होगी कि उनकी बेगम साहब खाना दस्तरखान वसी है उनका। वसी क्या मानी, मतलब कुछ लोग तो ऐसे जो हर रोज खाने के लिए आते हैं शाम को, मतलब दिल भी वसी है। अच्छा। और नहीं वो आप ये यानी ये क्लिशे में इसको वाज़े नहीं किया जा सकता, साल में 365 दिन अगर अपने घर में, 365 दिन तो नहीं होते, ज़ाहिर लेक्चर देने भी जाते हैं, यानी वो बुसत ज़र्फ है कि आदमी दंग रह जाता है। हाँ जी, मेरे सामने एक आदमी से उन्होंने कहा कि ये अपना ये दुआ पढ़ें, उन्होंने मैंने बताया, उनका नाम बताया, वो सिर्फ नाम बताना काफ़ी होता है, इसके बाद वो कहते हैं कि ये है इनके मिजाज, ये शख्सियत ये है। तो उन्होंने तस्वीर लिख के दी, उन्हें दी, तो उसने कहा नहीं मैं नहीं पढ़ता। हाँ अच्छा, तो उन्होंने कहा ये भट साहब ये तो अल्लाह का नाम है, उन्होंने कहा मैं बतेरा पढ़ता हूँ। लेकिन मुझे बड़ा सदमा हुआ, मैंने अगले दिन माजरत के लिए फ़ोन किया, उन्होंने क्या हुआ क्या हुआ, किस चीज़ की आप माजरत कर रहे? मैंने कल जो बात हुआ,
उन्होंने कहा मैं इस तरह की चीज़ों को याद नहीं रखता, और अगर मैं याद रखूँ, इसी तरह एक साहब थे वो एक ख़ास मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने इस तरह एतराज़ात किए से सख्त लहजे में, जब वो अपनी बात कर चुके तो उन्होंने सिर्फ एक फ़िक्र कहा, आपको गलत फहमी हुई, मैं पीर नहीं हूँ, मेरी ज़्यादा से ज़्यादा हैसियत एक टीचर की है, और हम खुश अखलाक़ी और मेहमान नवाजी के कल्चर को फ़रोग देने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब वो बेअप नहीं लेते यहाँ, बस सवाल है वो उसके कायल ही नहीं है, वो कहते हैं इसका ज़माना बीत चुका। अच्छा, फ़रोग इल्म की बात हो सकती है, बहस मुबहसा हो सकता है, एक आदमी टीचर हो सकता है, और टीचर भी ऐसा जिस पर लोग एतराज़ करते, ये उनसे सवाल बारहा पूछा गया कि हाउ इट हैपेंड। वो तो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ते थे और अंग्रेज़ी के उस्ताद थे, अंग्रेज़ी के तालिबे ऐसे तालिबे थे कि मशहूर आलम डॉक्टर नज़ीर जो हैं जी, वो जब क्लास से जाते थे तो क्लास उनके हवाले कर तालिब इल्म के हवाले कर जाते थे। तो वो बताते हैं कि वो कॉलेज के ज़माने में सारा मगरबी लिटरेचर पढ़ चुके थे, यानी वेस्ट के जो फिलासफर हैं सेकुलर ट्रेडिशन के, वो कॉलेज के ज़माने में पढ़ चुके थे। तो कहने लगे एक बेचैनी सी रहती थी, तो फिर मैंने बुखारी शरीफ पढ़ना शुरू की, तो बुखारी शरीफ पढ़ने शुरू की, तो फिर मैंने कुरान मजीद पढ़ना शुरू किया, और बड़ी अजीब बात वो कहते हैं कि मैं तो इस नुक्ता नज़र से कुरान मजीद पढ़ना शुरू किया, तो सेकुलर ट्रेडिशन से आए और रवायती मजहबी घराना था, तो उसका कुछ रिएक्शन भी होगा तबीयत में कि ये जो दावा है कि इस किताब में कोई शक नहीं, तो कोई एक गलती तो होगी ही है जी, मगर जैसे जब कुरान तो ऐसी चीज है, जब बेतासुबी से पढ़ता है, तो उन्होंने कहा बस पढ़ते पढ़ते फिर एक वक्त ऐसा आया तो वो कहते हैं कि मैंने मैंने कहा या अल्लाह मैं सोते बहुत कम है, 3 घंटे सोते हैं और कुछ और मसरूफियात हो सकती हैं, 18 घंटे मेरे पास होते हैं, तो मैं उसमें कुरान में जिक्र है जगह जगह पे अल्लाह को याद करो, तो मैं 9 घंटे याद करूंगा, बल्कि इससे कुछ 9 घंटे 1 मिनट ज़रूर तुझे याद करूंगा, रोज़ाना इतना जिक्र करते हैं। अच्छा, दीन के साथ बुनियादी तो इसके बाद वो कहते हैं कि फिर ऐसा जी लगा उसमें, यानी उनके बाद शागिर्द ऐसे भी हैं जो 60 साल से उनके साथ हैं, उनके क्लास फेलो हैं, कभी कभी वो आते हैं, तो वो बताते हैं कि कॉलेज के ज़माने में भी इसी तरह थे, और इनके घर का दरवाज़ा खुला रहता था, और जो आता था वहाँ खाना खाता था और चाय पीता था। मैंने एक दफ़ा उनसे पूछा कि कभी आपको गुस्सा आया ज़िंदगी में? कभी गुस्से में नहीं देखा, बस इतना उन्होंने कहा। एक दिन चलते चलते तो सूफी में सेल्फ प्रेस तो नहीं होती, लेकिन बाद वो चीज़ें वजाहत के लिए वो कहता है कि मैंने कहा कि बड़ी मुश्किल ज़िंदगी आप गुजारे, उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा तर्ज ज़िंदगी है, मैं इस पर खुश हूँ, ज़िंदगी भर बारिश में धूप में सर्दी में अगर किसी शख्स ने मेरा रास्ता रोका तो मैंने उसकी बात सुनी, कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं। मैंने कहा कभी आपको गुस्सा आया? उन्होंने कहा एक वक्त ऐसा। वो क्या? तो वो एक मशहूर अखबार नवीस हैं, बीमार है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तो वो कहते हैं कि वो आए और वो अच्छी हालत में नहीं थे, और उन्होंने मुझ पर चीखना शुरू किया और मुझे तुम पीर बने बैठे हो। मसला ये था कि उस जमाने में सोशलिज्म पे बहस हो रही थी, और सोशलिज्म पे बहस करने वाले दोनों ग्रोह जो हैं वो रगें फुला लेते थे और चीखते थे एक दूसरे पे। प्रोफेसर साहब का बिल्कुल ही मुख्तलिफ एक उसलूब था कि वो घंटों को एतराज़ करते रहे, वो सुनते रहते थे और नहायत तामल से बाद सवाल का जवाब देते थे। तो किसी ने पाकिस्तान टेलीविजन में कहा कि एक आदमी ऐसा है कि उसको बहस में नहीं हरा सकता, असल में तो वो तामल और इल्म था। अब उन्होंने उनको उकसाने को तो पीर बने बैठे, उन्होंने कहा मैं काहे का पीर हूँ, मेरी छत पर से लोग गुजर रहे हैं और मेरी अदम मौजूदगी में दरवाज़ा खुला रहता है और यहाँ लोग आते हैं। बावजूद जब वो बाज ना आया तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरी ज़िंदगी का वाहिद वाक़ है कि मुझे गुस्सा आ गया थोड़ा सा, और मैंने उससे कहा क्या मैं आपको बताऊँ क्या आपके बचपन में फलां वाक़ा हुआ था, क्या मैं आपको उसकी सारी तफसीलात बता दूँ? तो कहना वो फूट फूट कर रोने लगा और वो बड़ी सदमे की कैफियत हुई, बेचारे के साथ जाते मारा पीटा गया था उसको। तो फिर कहना मैं उससे माफ़ी मांगी
फिर उसको अब रिक्शे वाले को बुलाया, उसे पैसे दिए। तो मैंने कहा ये कैसा गुस्सा है, मतलब ये कि उसे माफी भी मांग ली और ये वो। अच्छा हारून साहब, वो नाम आपने कहा, नाम सुन के तो बता देते हैं ये क्या मसला है। कहते हैं जब मैंने वो मेरा यकीन पुख्ता हो गया और यानी तौहीद का तसव्वुर बिल्कुल वाज़ह हो गया। वो हमेशा एक जुमला कहते हैं जो उनकी पूरी फिलोसफी है कि अल्लाह लेसर प्रायोरिटी में नहीं मिल सकता, ये दूसरी तरजीह नहीं हो सकती जब तक ये फर्स्ट प्रायोरिटी ना हो। और एक और बड़ी दिलचस्प बात कहते हैं, कोई पूछे कि आदमी वलीउल्लाह कैसे बन सकता है, तो वो कहते हैं आने वाहद में जब वो ये फैसला कर ले कि अल्लाह ही उसकी तरजीह है। ठीक है, वैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी बेपनाह मोहब्बत और अकीदत है और उसमें बड़ा इसरार करते हैं और इस कसरत से दुरूद पढ़ते हैं कि अगर मैं आपको तादाद बताऊं तो आपको यकीन नहीं आएगा। माशाल्लाह। सुबह 3 बजे उठते हैं और 9 बजे अपने कमरे से निकलते हैं। मैंने जैसे अर्ज किया था उसमें तलावत करते हैं, उसमें हदीस पढ़ते हैं, उसमें अजकार पढ़ते हैं। और जब 9 बजे बाहर निकलते हैं ऐसा चकाचौंध का आलम होता है कि आप उस वक्त तो उनसे गुफ्तगू करना सहल नहीं होता, 6 घंटे जिस आदमी ने गौर व फिक्र किया और पढ़ा। तो वो कहते हैं कि मैंने अल्लाह से दुआ की, असहाब ये दुआ किया करते थे और अवलिया ये दुआ किया करते थे कि मैंने अल्लाह से दुआ, मुझे अपनी कोई निशानी अता फरमा। तो ये और पैमान किया अल्लाह से, जो वो कहते हैं कि हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह। एक दिन कहने लगे कभी ज़िंदगी में नमाज तो कज़ा हो ही गई होगी, कोई को, मतलब कज़ा से मराज ये नहीं कि पढ़ी नहीं, ये नहीं ताखीर में पढ़ी, मत तस्बीह कभी कज़ा नहीं हुई, ये नहीं इतनी दफ़ा दुरूद पढ़ना तो उतनी दफ़ा पढ़ना। तो फिर कहते हैं कि वो जब मैं जा रहा था तो मुझे ख्याल आया ये अलिफ लाम मीम क्या है, तो फौरन मेरे जहन में आया ख्याल तो अल्लाह की तरफ से, अलिफ अल्लाह है, लाम लोहे महफूज है और मीम मोहम्मद। और वो कहते हैं कि वो इस तरह डीकोड होने लगा कि मैं हैरत ज़दे रह गया और वो मैंने हरूफ के इम्पेक्ट पे गौर करना शुरू किया। इज़ दी फर्स्ट पर्सन इन ह्यूमन हिस्ट्री जिसने हरूफ के बिल्कुल साइंटिफिक असरात जो हैं वो बिल्कुल वो मुरतब कर दिए। यानी अब तो उनके शागिर्दों में से बात ऐसे हैं कि आप नाम बताएं तो आपको बता दें साहब का मिजाज क्या है। वाह। मेरे सामने उन्होंने अपने साहबजादे से पूछा, वो खुद भी बहुत पढ़ा लिखा नौजवान है और बड़ा साले नौजवान है, उससे पूछा कोई ऐसा शख्स आएगा मेरे बाद जब मेरी तरह अपना इस तरह चीज़ें बयान कर सकता हो, उसने कहा नहीं ये तो गॉड गिफ्टेड होता है। और बिल्कुल ठीक उसने जवाब दिया। ये नहीं आप जाते हैं, आप भी मिले थे उनसे, वो नाम सुनकर तो शख्सियत डीकोड कर देते हैं आप, मगर वो हर आदमी नहीं कर सकता, उनके तरबियत याफ्ता शागिर्द भी इतना नहीं कर सकते। वो आपकी आवाज़ से, लहजे से, चेहरे के तस्वीरात से वो एक तस्वीर बनाते हैं। और जन कैनी साहब तो कहते हैं मैं रिकॉर्ड रखता हूँ, वो कहते हैं 92%, हालांकि वो ज़ाहिर है अश्करी उमूर में और सियासी उमूर में मशवरा करते होंगे, 92% अंदाजे तो उनके लाजमन दुरुस्त होते हैं। मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा दुरुस्त होते हैं, बहुत रेयर मैंने देखा है उनका अंदाज़ा गलत हो, महीनों में कहीं कोई एक आध अंदाज़ा गलत हो। और वो एक ख़ास शोबा है जिसमें अच्छा, वो जो लोग आते हैं उनको जो नफ्सियाती मसाइल लेके, रूहानी मसाइल लेकर, बड़े हौलनाक नफ्सियाती मसाइल के, ऐसे हौलनाक मसाइल के साथ लोग आते हैं मैं उसकी तफसील बयान नहीं कर सकता। और वो उनका तरीका क्या है उनको इलाज का? नहीं इलाज क्या, वो जैसी बात सुनते हैं वो बताते हैं कि आपके थिंकिंग पैटर्न अंदाज़े फिक्र में फलां जगह पे खराबी है। वो कहते हैं हर आदमी की शख्सियत में बाद मुस्बत पहलू होते हैं, बाद मनफी पहलू होते हैं, उससे उसे फाइट करना होता है अपने मनफी पहलुओं से उसके अंदर। फिर उसे बताते हैं कि ये दुआएं हैं, रात भी मैंने एक क्लिप उनका सुना, उन्होंने कहा जहाँ एक पैगंबर की रूदाद है वहाँ एक दुआ है। वो जब सिचुएशन में जनाब नूह अलैहिस्सलाम, जनाब इदरीस, जनाब अय्यूब, वो उसको समझ लिया जाए तो वो पूरी फिलासफी, जनाब यूसुफ जिस कैफियत में थे तो वो फिर वो यो उस दुआ हज़रत यूनुस, हज़रत यूनुस, हज़रत यूनुस का तो बहुत ही। सर जैसे कि आपने कहा कि वो नाम से शख्सियत का नाम से वो उसको फिर वो दुआ बताते हैं। और वो एक चीज़ पे इसरार करते हैं कि चूँकि कुरान करीम ये कहता है कि अल्लाह को उसके नामों से पुकारो तो सबसे पहले उसके अस्मा पढ़ो कुछ, जिसमें वो इसमें सलाम पर बहुत ज़ोर देते हैं। और कुरान मजीद में है जगह जगह पर सलाम अला नूह, सलाम अला इदरीस, ये वो जब वो
मुश्किल से निकलते हैं तो वो ये वो तो आठ नाम तो वो लाजमन आमतौर पर तजवीज़ वो आप बताइए। अच्छा वो है या सलाम या मोमन या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या वली या नसीर। अच्छा फिर वो उसकी बताते हैं कि इसका किसका क्या इम्पैक्ट, खुद तो 100 नाम पढ़ते हैं। अच्छा फिर ये है कि वो अपना उनके जो एक बात पे बहुत इसरार करते हैं एतदाल लाजम है, एतदाल ज़रूरी है जी, और फिरका वारियत से बचो है जी, और ये है कि अगर तुम अच्छे हो और नमाज पढ़ रहे हो और कबायर से बचे हुए हो तो किसी को हकीर मत जानो, कौन जानता है कि कल तुम्हारा पांव फिसल जाए और जिसे तुम खताकार समझ रहे हो। फिर उन्होंने यानी सूफिया की पूरी तारीख का मतलब मगरब के कल्चर को हमारे असर में अल्लामा इकबाल के बाद कोई शख्स नज़र नहीं आता जो मगरबी तहजीब को अपनी पूरी वसत में समझता हो, उसकी पूरी रवायात और तारीख के साथ ना करें। चुनाचे मेरे सामने की बात तो नहीं है, एक साहब आए सफारतकार दिल्ली से और गालबन तैयारा चार्टर्ड करके आए और सफ़ीर उनके साथ था, और उसने कहा कि फॉर 20 ईयर्स मैं वो अंग्रेजी में उसने कहा कि मैं अपना मिस्टिसिज्म का मुताला कर रहा हूँ। वो अपने एक घंटे की तकरीर जब कर चुका, अपने इल्म के मतलब ये है कि सारे वो अपना उड़ा चुका, परचम लहरा चुका, तो उन्होंने एक जुमले में कहा आपके पास वैलिड पासपोर्ट नहीं है, आपके पास वैलिड करेंसी नहीं है, आपके पास वैलिड वीज़ा नहीं है, आप हवाई अड्डे में कैसे दाखिल हो सकते हैं। वो बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। उन्होंने कहा जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, आप इस ऑप्शन को ओपन करें तो गुफ्तगू शुरू। उसने कहा हाँ ठीक। कितने लोग उनके हाथ में मुसलमान हो गए, वो तो एक अलग रुदाद है। तो उन्होंने उसको समझाया, खैर वो अपना गुफ्तगू के बाद फिर वो जहाँ कहीं गया, तुर्की में सफ़ीर हो गया था, वहाँ से मैसेजेस भेजते था। तो जाते हुए उसने कहा अपनी पूरी ज़िंदगी में मैंने किसी को इतनी फसी अंग्रेज़ी बोलते नहीं थे। ये नहीं वो देखा, मैंने आपसे अर्ज़ किया था एंथ्रोपोलॉजी उन्होंने पढ़ी है, कॉस्मोलॉजी उन्होंने पढ़ी है, जदीद तरीन उलूम वो पढ़ते हैं, यानी वो जदीद व कदीम का एक हैरत अंगेज़ इम्तिदाज है। जब इकबाल ने कहा था दिगर दानाए राज आयत के ना आए, तो ये वो दानाए राज है और ये सूफी ही दानाए राज होता है। हारून साहब अभी आपने हर आलम आरफ नहीं होता मगर हर आरफ आलम होता। अच्छा इसमें एक बात का ख्याल रखिए कि वो जब मैंने उनका जिक्र शुरू किया तो लोगों ने ये समझा कि मैं उनकी प्रोजेक्शन कर रहा हूँ। उनको प्रोजेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ तो इतनी भीड़ रहती थी, 250 आदमी आते थे और एक रोज़ मुझसे शिकवा किया, और उस शिकवे का अंदाज़ ज़ाहिर जारहाना नहीं था। उन्होंने कहा हर तीसरा आदमी जो इस घर की सीढ़ियाँ चढ़ता है वो आपकी वजह से चढ़ता है, वो बस करो यार। अच्छा मतलब आप मेरा जिक्र करते हैं तो लोग ज़्यादा आना शुरू हो गए। वो 250 आदमियों को एक दिन में हैंडल करना, मगर वो डॉक्टर की तरह बात सुनते हैं और वो तस्वीर लिख के उसे देते हैं, तसल्ली देते हैं, इत्मीनान दिलाते हैं कि ठीक है। मसले एक आदमी ने कहा, एक दहकान आया कहीं पख्तूनख्वा से, उसने कहा बहुत मकरूज हूँ। उन्होंने कहा ये दुआ है कोहे हो, जितना भी कर्ज होगा तो उतर जाएगा। उसने कहा कुछ पैसे भी दे, मुझे उसे बटवा निकाला, पैसे गिने, आधे पैसे उसको दे दिए, आधे जेब में रख लिए, बस वो एक मिनट में मसला हल कर दे। एक आदमी आता है वो कहता प्रोफेसर साहब बेरोज़गार हूँ, तो वो कहते हैं अच्छा आप क्या काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि फलां काम कर सकते, उन्होंने टेलीफोन उठाया और किसी से कहा मैं ज़ामन हूँ इस बात का, वो जब उन्हें इत्मीनान हो गया आदमी ठीक, मैं ज़ामन हूँ इस बात का कि ये फलां जो है वो कॉन्टेक्ट ऑफिस से दे। तो दिन में दिन भर लोगों के काम करते हैं और 3 घंटे अच्छा, अभी भी इस उम्र में भी अब निस्बतन कम मिलते हैं, लेकिन अब भी इनकार तो नहीं करते हैं लोगों से मुलाकात से, यानी जो 2-3 2.5 घंटे। तो अब मैंने पूछा नहीं अब कितने घंटे टाइम देते हैं, शहर से बाहर एक जगह उनकी है वहाँ जाके बैठते हैं और जितने लोग वहाँ आ चुके होते हैं उनमें से आखिरी आदमी से गुफ्तगू करके उठते हैं। तो मगरब के बाद उनके दोस्त उनके जानने वाले जिन्हें इजाज़त है तो वो लोग अब ये हम तमाम ये करते हैं कि फ़ोन करके इजाज़त ले लेते हैं
कि फलां वक्त आ जाएं, लेकिन वो आप दो घंटे बैठे या तीन घंटे बैठे, ये प्रोटोकॉल ये है, वो खुद इसरार नहीं करते, लेकिन मिलने वाले जानते हैं 11:15 से ऊपर नहीं, फिर 11:30 के बाद फिर आखिरी दुआएं पढ़ने के 12 बस हो जाते हैं। अभी आपने अल्लाह के अस्मा का जिक्र किया 8, जो वो लाजमी कहते हैं कि ये पढ़ो, तो हमारे सुनने वालों को फ़ायदा होगा अगर आप रिपीट कर दें। नहीं, वो देखिए ना, वो नामों के साथ होता है, मसलन कुछ में वो तब्दीली भी करते हैं। अच्छा, एक गमज़दा आदमी है, मुश्किल में फंसा हुआ, तो उसे तब वो इसरार करते हैं कि लाला वाला को तो अल्लाह बिल्ला पढ़ो, और उसकी दलील देते हैं ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो वो बेहतर ये होता है कि उस्ताद ही से पूछा जाए, और ये यूं ही इस तरह नहीं करना चाहिए। अगरचे मुझे तो उन्होंने कहा कि आप बता दिया करें, मगर मैं एहतियातन उनसे फिर पूछ लेता हूँ, इजाज़त ले लेते हैं कि भाई ये मैंने कहा, तो उसमें बाद वो तरमीम भी कर देते हैं। और 6-7 ज़रूरी दुआएं बताते हैं, मसलन अल्लाहुम्मा असलुका अल्फ़ वल्लाफ़िया फिर दुनिया वल्लाख़िरा, और वो फरमाते हैं कि ये जनाब अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब को दुआ उन्होंने बताई थी, और हर दुआ की तफसील बताते हैं। मसलन रात मैंने क्लिप सुना, उन्होंने कहा कि जो आदमी ये दुआ पढ़ेगा, अल्लाह के रसूल ने कहा ज़िंदगी भर कोई बड़ा हादसा उसे पेश नहीं आएगा, मुश्किल तो आएँगी। اللهم صل على قبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا والعذاب الاخر، درود کی تاکید کرتے ہیں۔ ایک صاحب آئے تو مجھے بتایا کہ میں نے اسے کہا ہے کہ 1000 دفعہ آیت کریمہ پڑھا کرو، میں نے کہا 1000 دفعہ آیت کریمہ؟ 1000 دفعہ پروفیسر صاحب، انہوں نے کہا اس کے مسائل بہت پیچیدہ تھے، اور جب میں نے اس سے کہا تھا کہ 1000 دفعہ آیت کریمہ پڑھا کرو تو میں 1000 تو میں 10000 دفعہ پڑھتا تھا۔ वो जब तक ये आदमी खुद ना करे मश्क, तो उसको उनका तहम्मुल ज़र्बुल मिसल है, उनका इल्म ज़र्बुल मिसल है। एक ज़माने में तो चीफ स्टाफ ने कहा था कि GHQ के फैसले तो गुजर खान में ही होने लगे, हालांकि ऐसा नहीं था। एक आखिरी नुक्ता है, वैसे तो वो उन पर घंटों गुफ्तगू हो सकती है। प्रोफेसर तालीम को बहुत इनक्रेज करते हैं, जुमला वो कहते हैं काश आपको मालूम हो कि प्लेयर ऑफ लर्निंग क्या है, तो वो उनके जो शागिर्द हैं उनके इनक्रेज करते हैं मुल्क से बाहर जाएं पढ़ें, किसी ख़ास शोबे में तहकीक करें, तो आम तौर पे वो बड़ी हौसला अफजाई करते हैं, सजेस्ट भी करते हैं बाद लोगों को कि आप इंजीनियरिंग में जाएं, आप IT में जाएं, आप फलां शोबे में जाएं, मेडिकल में जाएं, और उसका तयन भी करते हैं कि आपका मिजाज फलां शोबे के लिए अहम है। तो उनके बाद शागिर्दों ने, बहुत से शागिर्दों ने एक्सेल किया है तालीम, सैकड़ों लोगों को सिखाया था, हज़ारों को। अच्छा, आपने प्रोफेसर साहब के हवाले से बड़ी अच्छी बड़ी खूबसूरत बातें हमारे साथ शेयर की, तो आखिर है तो प्रोफेसर साहब इंसान, उनकी शख्सियत में कोई कमी जो आपने देखी हो? एक बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि उन्हें तबीयत में शफकत ज़्यादा का गलबा है, इसलिए अगर कोई आदमी आ जाए कि प्रोफेसर मैं कारोबार करना चाहता हूँ और मेरे पास रुपये नहीं है, मतलब मैं बैठा हुआ तो मुझे पूछेंगे तुम्हारे पास पैसे हैं, मतलब ये कि वो फालतू पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो बाद अवकात उसमें मिसहैप हो जाता है। यानी एक ऐसा आदमी जो शख्सियत का ऐसा बेलाग तजिया करता है, और जो ये कहता है कि इल्म में डंडी नहीं मारी जा सकती, जिसका मिजाज ये है कि एक दफ़ा मेरे किसी आदमी से किसी बात पे कोई तल्ख बहस हो गई, तो उन्होंने मेरे कान में कहा मुझे सालिस ना बनाना, मुराद ये थी कि तुम हक पर नहीं। तो वो शफकत में बाज़ औक़ात ये होता है कि भाई लोगों की मदद करते हैं, तो उसमें कई दफ़ा लोगों का नुकसान भी हो जाता है। बस दिलचस्प बात यह है कि उनके शागिर्दों को उनसे ऐसी मोहब्बत है कि उस नुकसान पे खाल कभी ऐसा होता है कोई मोतरज हो, और कोई मोतरज हो तो वो कहते हैं फिक्र न करो मेरे पास पैसे आते हैं, मैं तुम्हें अपनी जेब से।